आरएसएस ने न्यूज पूर्वा उन्नाव रिपोर्टर लक्ष्मी चंद। बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया ग्राम गढ़कोली में पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 123वीं जयंती को। आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 123वीं जयंती का आयोजन निराला स्मारक समिति के द्वारा किया गया, जिसमें वाणी पुत्रों ने अपना काव्य पाठ किया, जिसमें वंदना से शुरुआत संध्या सिंह ने की। अब असत्य पर सत्य की विजय आसान नहीं, क्योंकि अब राम रावण की पहचान नहीं है को रेखा पांडे ने पढ़ा तो एक नया जोश आ गया। इस मंच पे होते ही कवि वृंद पिरोई जो काव्य की माला ना होते, यदि काव्य प्रेरिता निराला ना होते, राम कुमार यादव ने पढ़ा। कार्यक्रम के मुख्य सचिव के रूप में उन्नाव सांसद हरिसाक्षी महाराज ने कहा कि वो बहुत भाग्यवान हैं जो वो उन्नाव जिले के सांसद हैं, और कहा कि आगे आने वाले 5 सालों में भारत अमेरिका से आगे बढ़ जाएगा। उन्होंने आगे कहते हुए कहा कि समिति दिनों दिन इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करती जा रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्लॉक प्रमुख नवाबगंज अरुण सिंह ने भी कहा कि इसी क्षेत्र में उनका जन्म हुआ है और नवाबगंज में अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। आप सबके आशीर्वाद से मुख्य रूप से संजय शुक्ला प्रभारी, विधानसभा भगवत नगर, अतुल पटेल मंडल अध्यक्ष बीकापुर, विनोद लोधी जिला पंचायत सदस्य, लाला भारती पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भगवंत नगर, सभी को अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत सम्मान गोविंद नारायण शुक्ला समिति के उपाध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष बीघापुर ने किया। अस्ताकुल्ला भी बराबरवादी कालकोठरी में थे, उनका दिमाग झल्ला रहा था, बोले ये बिस्मिल कह रहा है फिराऊंगा फिराऊंगा, मैं क्या करूं, मैं भी कह दूं क्या? तो दो शब्द अस्ताकुल्ला ने लिखे, पंडित बिस्मिल हिंदू हैं, कहते हैं फिर आऊंगा, ले नया जन्म भारत माँ में तुझे आजाद कराऊंगा, दिल करता है मैं भी कह दूं। ये कौन कह रहा है? इस्लाम इजाजत नहीं देता, अस्ताकुल्ला ने कहा दिल करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूं, मैं मुसलमान हूं, मॉडल जन्म की बात नहीं कर पाता, दिल करता है मैं भी कह दूं,